खबर शामिल करते हैं बहावलपुर उच्च शरीफ से। मोहम्मद खालिद हमीद की रिपोर्ट के मुताबिक गिरफ्तार पीटीआई के रहनुमाओं और कारकुनों को रिहा कर दिया गया। रहनुमा मलक आसफ अमान रहायश पहुंचने पर कारकुनों ने इस्तकबाल किया, फूलों की पत्तियां निशावर की गई। जेलों से डराकर रास्ता नहीं रोक सकते, मुखालफिन सुन ने हौसला मजीद बुलंद हुआ है। मलक आसफ अमान की साथियों से गुफ्तगू, तफसील के मुताबिक पीटीआई कारकुन लॉन्ग मार्च से कबल रोकने के लिए रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ क्रैकडाउन करके गिरफ्तार करने वाले रहनुमाओं कारकुनों को गुज़श्ता रोज रिहा कर दिया गया। रहनुमा मलक आसफ अमान को सेंट्रल जेल मुल्तान से रिहा किया गया। अबाई हल्का रहायशगाह पहुँचने पर कारकुनों और अहले इलाका ने इस्तकबाल किया, फूलों की पत्तियाँ निशावर की गई। इस मौके पर रहनुमा मलक आसफ अमान ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, जेलें रास्ता नहीं रोक सकती, मुखालफिन जितनी मर्जी कोशिश कर लें हौसला पस्त नहीं कर सकते, हौसला कम नहीं मजीद इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि अवामी खिदमत जारी रहेगी, मुखालफिन का डट कर मुकाबला करूँगा, अवाम के लिए मेरे दरवाजे खुले हैं। कारकुन एसल लल्लू व दीगर को रिहा कर दिया गया। शदीद गर्मी में बे एहतियाती जानलेवा भी हो सकती है। हीट वेव के मुजिर असरात से तहफ्फुज़ यकीनी बनाएं। वक्फे वक्फे से पानी और मशरूबात पिएं। गर्मी में बिला जरूरत घर से बाहर न निकलें। धूप में निकलना जरूरी हो तो गर्दन और सर को ढांप कर जाएं। ढीला ढाला और हल्के रंग का सूती लिबास पहने। स्कूल के बच्चे अपने सर ढांप कर रखें और पानी की बोतल साथ रखें। सख्त धूप में मशक्कत से गुरेज करें। धूप में खड़ी बंद गाड़ी में न बैठें। ज्यादा प्रोटीन वाले मुरखन खानों से परहेज करें। किसान अपने मवेशियों और फसलों के लिए पानी का मुनासिब इंतजाम करें। किसी भी हंगामी सूरत हाल में पीडीएमए की हेल्पलाइन 1129 पर कॉल करें। आपका तहफ्फुज़ हमारी तरजीह। हुकूमत पंजाब।